हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 06 ड्रोनर 2.0 सीरीज का। और लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे आइडेंटिटी को और एग्जांपल के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किए थे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉटेक। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन ए है और सेक ए है और टेन ए है, इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना, एक्सप्रेस करना है, बदलना है किसमें, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए जरा देखें कैसे करना है सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए को चेंज करना है हमें, ठीक है, कॉमा सेक ए और टेन ए को, ठीक है, किसमें बदलना है, तो कॉट ए में जो है वो क्या करना है, चेंज करना, ठीक है, कॉट ए में चेंज करना कोई भी। तो सबसे पहले हम टेन को करते क्या, इजी पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है, कर दें, ठीक है, तो टेन ए इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, टेन ए इज इक्वल टू, टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए, क्या होता है, कॉट ए। तो टेन का तो हमने कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब आगे आ जाता है साइन का, ठीक है, उससे पहले हम सेक का निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि सेक का हमें आइडेंटिटी आता है, ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी पता है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखे है तो जाइए लेक्चर नंबर 05 को देखिए, वहां पे हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए सिखाया है, ठीक है, सिखा नहीं सिखाया, ठीक है, हमने भी सीखा, ठीक है। अब ऐसा करें कि अगर 10 की वैल्यू को रख दे तो 1 प्लस 1 बाई कॉट ए को हमने रख दिया स्क्वायर में रहने दिया, ठीक है, आगे में चलेंगे और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा और यहां बच्चा ए छूटा, ठीक है। एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर अभी रखेंगे हम, तो ये मिल जाएगा हमें कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, देखो कॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इसको तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, हमने क्या किया, कॉट ए को रूट से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ये सेट भी हमारा हो चुका है, ठीक है, सेट भी निकल गया। अब आगे में आ जाता है कि यार अब करूं तो क्या करूं, साइन के लिए, साइन के लिए क्या करूं, तो साइन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos² a, या तो इसमें चले जाओ, ठीक, या तो आप इसमें चले जाओ, या और क्या हम कर सकते हैं, इससे आसान है कि साइन इज इक्वल टू 1 बाई cosec a में चलते हैं, क्योंकि cosec a इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot² थीटा, ठीक है, यहां एंगल है a तो a रहेगा, तो हम इसको और लिख सकते हैं cosec a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot² a होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर हम sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos² a अगर रखते तो वहां से भी आ जाता, क्योंकि यहां से अपने को sec पता है, लेकिन होता क्या कि थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी पड़ जाता, क्या होता, कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाता और होता कुछ नहीं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कॉट के टर्म में आ चुका है, ठीक। अब रीड आउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में अपने से कह रहा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, कह रहा है कि जितनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक के अलावा उनको क्या करना है हमें, कुछ मिस्टेक बोल गया क्या, नहीं सही, सेक के फॉर्म में बदलना है। फिर से रिपीट करवा देता हूं, कह रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक के टर्म में करना है, तो सेक तो पहले से है तो पांच ही को करना है, कितना करना है, पांच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम टू की तरफ चलते हैं, उससे पहले मिटा देते हैं, ठीक है, इस बीच नहीं करना, ये छह पार्ट है यानी पांच हमें करना है, तो यहां दिखाना भी पड़ेगा हमें, बेहतर है मिटा दो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन टू की हम बात करते हैं, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म में करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है क्या पता है, देखिएगा साइन स्क्वायर, पहले कॉस का निकाल लें, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, सेक के टर्म में जाना है, किस टर्म में, सेक ए के टर्म में, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हटा देते स्क्वायर, कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता वन बाई सेक थीटा, ठीक है, वन बाई सेक थीटा, तो अच्छा उल्टा कर गए यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दे, इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो साइन का निकाल देते पहले, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस के प्लेस पे अगर मैं सेक थीटा रख दू तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन बाई सेक थीटा का होल स्क्वायर। आगे में चलेंगे, और एलसीएम अगर हम लेते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो देखो बच्चों क्या होगा, एलसीएम लेने से पहले एक स्टेप शो करता हूं, वन माइनस वन का स्क्वायर वन, और सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में एंगल है तो एंगल रहेगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा यहां से, एलसीएम लोगे आप तो आपको मिल जाएगा यहां से सेक स्क्वायर ए, और ये मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर रूट के साथ, ठीक, अभी तक साइन निकला भी नहीं है, ठीक है निकल गया, लेकिन थोड़ा एक स्टेप और खींचेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए को क्या करे, बाहर ले आए, ठीक है ले आए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक, ठीक है सेक, तो ये आ गया साइन ए का। हम कॉस में, कॉस का जो निकाल रहे थे पहले तो उसमें थोड़ा सा उलझन होता और कुछ नहीं होता, जब बने बनाया है साइन को तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, साइन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, वो भी निकालना है तो यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉसेक ए, देखो थीटा में इसलिए बोल रहा हूं कि थीटा लेके चल रहा हूं, एंगल ए है तो उसमें परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, वन बाई साइन ए होता है, क्या होता है वन बाई साइन ए, ठीक है कर देगा, बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक, अब ये वैल्यू उठा के हम यहां रख रहे हैं, तो वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन और डिवाइडेड बाई क्या है सेक ए, ठीक, कोई को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, आराम आराम से हम कर रहे हैं, ये देखो सेक मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा वन के साथ में, तो कॉसेक ए का वैल्यू पता चल जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया, और ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, दो हमने कैलकुलेट कर, ठीक। अब कॉस का निकाल लेते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई सेक ए होता है, आ गया यहीं से, ये भी आपका आंसर हो गया, यहीं से हम टेन को निकाल ले, क्या टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि बच्चों अच्छे
अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूले आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, अगर अच्छे तरीके से आपको आता है ना तो आप सोच नहीं पाओगे, सोचने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, आप करते जाएंगे आपका स्टेप बनते चला जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप डरो मत, ठीक है, क्योंकि जहां प्रॉब्लम होता, प्रॉब्लम के बाद में अच्छा ही होता, बुरा नहीं होता। बहुत अगर मान लो लाइफ में दिक्कतें आ रही है तो वो दिक्कत कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद में आपके लाइफ में बाहर ही बाहर आएंगे। ठीक है, आगे में अगर इसकी वैल्यू रख दिया जाए तो साइन की वैल्यू देखो, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए रख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई, यही ले लेते हैं डिवाइड, थोड़ा ज्यादा भी बच जाएगा, सेक ए। ठीक है, और कॉस अगर देखें तो वन बाई सेक ए, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लूं, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये किसका आ गया बच्चों, तो ये आ गया टेन का। ठीक है, ये भी आंसर। और आपको पता है कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है वन बाई टेन ए, अगर टेन ए की वैल्यूज हम रख दें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये आ गया, आप बताएं मुझे अगर कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, एक यहां से आंसर हो गया, दो तीन चार पांच, सिक्स में जो है वो सेक ही है तो जरूरत नहीं है उसका काम करने का, क्योंकि सेक के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, रेशियोज हैं, उनको हमें निकालना था। ठीक है, किस फॉर्म में निकालना था, तो सेक के फॉर्म में निकालना था। बच्चों पहले इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मिटा दिया जाए, अब दो तीन क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से तीन में चार क्वेश्चन है ना, वो एमसीक्यूज के फॉर्म में है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आइडेंटिटी के 10 क्वेश्चन बचेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, दो लेक्चर में इसको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। क्वेश्चन थ्री में क्या कहता है जरा वो रीड आउट करते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, कह रहा कि आपको क्वेश्चन थ्री में फोर्थ पार्ट गिवन है और उसमें बताओ कि उसका सही उत्तर क्या है, यानी सही करेक्ट आंसर क्या है, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। ठीक, मतलब अपने चॉइस को ही जस्टिफाई करना है। चलें, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं यार, फर्स्ट पार्ट मेरे हिसाब से लग रहा है कि इजी होगा या बीजी होगा, पता नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन ए में है वन, ऑप्शन बी में नाइन, ऑप्शन सी में एट, ऑप्शन डी में जीरो। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि वो डायरेक्ट आंसर मारने की कोशिश करते हैं। यार कभी ऐसा मत करो, देखो लाइफ आप जो चीज सोच रहे हो ना कि मार्क्स हम अगर बहुत ज्यादा ऑब्टेंड कर लेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट हर जगह मिलेंगे, ऐसा आपको नहीं होगा। कहां बेनिफिट मिलेगा, एडमिशन के टाइम पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी बाद में यार नॉलेज देखा जाता। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अब डायरेक्ट आंसर मारोगे, हो सकता है मे बी करेक्ट हो, मे बी करेक्ट ना, तो उस केस में मारे जाओगे, तो कंपटीशन का टाइम है, अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, मार्क्स भी बन जाएंगे, कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा हमसे नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर। अब जरा सोचो कि क्या करोगे इसमें, नाइन दोनों के पास में है, अगर उसको कॉमन ले ले, अगर हम क्या करें कॉमन ले ले, देखो नाइन को हमने कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अपना सीरीज चल ही रहा है फाउंडेशन का, क्लास टेंथ का, उसमें जाए लेक्चर देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। ठीक है, अब देखो इधर देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन को उधर लेके जाओ तो वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये दिया हुआ है, इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, रख दू तो नाइन इंटू वन इज इक्वल टू नाइन, ये आपका आंसर है।
अब आंसर में यहां भी लिख दिया यहां भी लिखता हूं, आंसर जो है बी ठीक है, ठीक है आंसर बी जो है वो करेक्ट है। देखो बार बार फिर से वही बोलूंगा कि आप फाउंडेशन पे बेटे काम करो, फाउंडेशन जितना मजे का होगा ना उतना मजे से प्रॉब्लम करोगे और करने में भी मजा आएगा। ठीक है लाइफ में वही करो यार जिस चीज में मजा आए, ठीक है बनो कुछ भी लेकिन यार इनर से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए अंदर से, ठीक है अगर अंदर से सुकून ही नहीं है, बहुत सारा आपके पास मनी है हनी है तो आप क्या करोगे, गनी बन जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को सेटिस्फाई करो, ठीक है जो काम करो मजे से करो। अब आते हैं जैसे मुझे देख लो यार अपने अगर सब्सक्राइबर कितनी है 280 85 के आसपास होगा, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं इंजॉय करके कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जिसको करना सब्सक्राइब करे जिसको नहीं करना मत करे कोई सी बात नहीं, अपना काम है कहने का कि बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो तो अच्छी बात है, करते हैं जो जो नहीं करते हैं और अच्छी बात है। आगे भी चलते हैं और सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा 1 + tan θ + sec θ * 1 + cot θ - cosec θ इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में -1। ठीक है आगे भी चले, याद तो नहीं आ रही किसी के भाई, याद आना भी नहीं चाहिए, अगर आ रहा है कोई बात नहीं बतिया रहे, ठीक है बतिया लो उसके बाद में काम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया है 1 + tan θ, मेरा गला खराब हो रहा है थोड़ा ऐसे ही हो रहा है यार, बॉडी आज थोड़ा सा पेन हो रहा है, बारिशों में भीगने की वजह से हो जाता है। ठीक है तो 1 + cot θ माइनस, लेकिन माइंड में उस चीज को मैं लेता नहीं हूँ कि यार आज नहीं आज थका हूँ आज मूड नहीं कर रहा बंद कर दो, नहीं लेक्चर देना है तो देना है, ठीक है काम करना है। क्या करें इसको यार क्या करें, लग रहा फंसा दिया। ओहो कोई बात नहीं देखते हैं, 1 + tan को लिख सकते हैं ना sin θ / cos θ, और sec को लिख सकते हैं 1 / cos θ। ठीक है जब कोई क्वेश्चन फंसाता है तो बहुत कुछ सिखाता है, 1 + cos θ cot को लिख सकते हैं / sin θ, ठीक है और cosec को लिख सकते हैं 1 / sin θ। ठीक है देखते रहो, ठीक है इसमें कुछ मिलेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos θ आ जाएगा, हाँ या ना आ जाएगा? तो वन के टेबल में cos θ कितनी बार में, cos θ टाइम्स में, तो यहां आएगा cos θ + sin θ + 1। वन क्यों आया, cos के टेबल में cos कितनी बार में, एक बार में, तो 1 को मल्टीप्लाई sin θ करोगे तो क्या आएगा sin θ आएगा, फिर cos के टेबल में cos कितनी बार में, एक बार में, मल्टीप्लाई 1 से 1 को करोगे वही आएगा भाई। ठीक है तो टेंशन लेने का नहीं, यहां भी ले लेते हैं साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin θ आ जाएगा। ठीक है तो sin θ + cos θ - 1। ठीक है अब क्या करना है, थोड़ा लग रहा लंबा जाएगा ये, फिर अगेन अब ये प्रोडक्ट में है, देखो 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 कुछ दिखा दिखा, अरे मुझे तो दिख गया, अरे मुझे तो दिख गया, आपको नहीं दिखा कोई बात करते हैं इसको लाल पीला नीला सब करते हैं। तो ए बी ठीक है दिख रहा है। अब कभी ये मत कह देना कि सर यहाँ पे कॉस जो है बाद में है साइन पहले है, यार देखो एक स्टेप खींच लो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ए प्लस बी, मैंने पूरा ए माना कि इसको sin θ cos θ को, अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं अरेंजमेंट करके लिखूंगा एक स्टेप जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, आप ही का टाइम जैसा चाहो इस्तेमाल कर लो। ठीक है तो सजा के लिख रहा हूं sin θ + cos θ यानी कि ए का स्क्वायर - बी का स्क्वायर, ठीक है डिवाइडेड बाई इसकी डिनोमिनेटर वाले जो फंक्शन है वो आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा तो sin θ * cos θ आ जाएगा। बताओ यार बताओ बच्चों देख के बताओ क्या दिखा आपको, कुछ दिखा क्या? आगे में चलते हैं और सॉल्व करते हैं, अब इसको हम तोड़ देते हैं फिर जोड़ देंगे, क्या करें क्या करें, ये दिखा ए ये दिखा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ
ए इंटू बी, यानी कि बी क्या था कॉस थीटा था, आगे में वन का स्क्वायर वन में होगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहां तक देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तो वन होगा जी, लिख दिया वन प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो प्लस माइनस कैंसल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसल आउट होगा, क्या मिला टू, बता ये था। अच्छा ऐसे सॉल्यूशन होना है, तो ऑप्शन सी जो है बेटे वो करेक्ट है, सेकंड पार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा जगह बना लूं, आंसर यही लिख दूं, आंसर यही लिख दूं, कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले कॉपी करेंगे फिर इसको हम रफ कर देंगे। फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हमने करवा दिया, तीन चार बचे हैं। ठीक बेटा तुम इजाजत दे दो, यार ये जो है ना ग्रीन वाले छूटता जल्दी नहीं है, रफ करने में बड़ा तकलीफ बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत बहुत। ठीक लिखा हुआ क्वेश्चन है ही, लेकिन चलिए मैं उठा लेता हूँ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि sec a plus tan a into 1 minus sin a, फर्स्ट ऑप्शन है बेटे sec a, ऑप्शन बी है साइन ए, ऑप्शन सी है कॉसेक ए और ऑप्शन डी है कॉस ए। तो क्वेश्चन थ्री का थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना, तीसरा पार्ट। ठीक है तो कह रहा है सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए, ठीक है इनटू में है कुछ है वन माइनस साइन ए, और ऑप्शन तो आपको पढ़ के सुनाई दिया, ए में है सेके और बी में है साइन ए और सी में है कॉसेक ए और डी में है कॉस ए। ठीक है कोई बात नहीं, सोचो जरा क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे सोचो जरा क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। ठीक है आप बोलोगे सर नंगे आए थे नंगे होके जाएंगे, ठीक है सोल्यूशन कर रहे ये सब बातें नहीं करते। ठीक है अब आगे में सेक को हम लिख सकते हैं, सेक ए को वन बाई कॉसेक और टेन को लिख सकते हैं टेन को साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है आ गया इंटू वन माइनस साइन ए, मुझे हंसी आ रहा है यार नहीं बोलना चाहिए हमें इस तरह बातें, ठीक है कोई बात नहीं यार चलता है बोल दिया कर दिया। अब इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक एलसीएम लेके देखो क्या होगा, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस के टेबल में कॉस कितनी बार एक बार में, एक को मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे वन आ जाएगा प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी कॉस का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार की कॉस ए आ जाएगा, तो एक बार एक को मल्टीप्लाई साइन सी कर देंगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है अब आगे में चलें और देखें जरा सा वन माइनस साइन ए, ओहो फिर दिख गया, दिखा कुछ दिखा या नहीं दिखा ये बताओ, मुझे तो दिख रहा यार। देखो ए बी ए बी, ठीक है आ गया, आने की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, नीचे में वन मान लो क्या जा रहा है कॉस ए आ जाएगा ना, तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और आपको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या आया आंसर में कॉस ए आ गया, क्या आ गया कॉस ए आ गया। देखो कोई आंसर मैच कर रहा ठीक है, नहीं तो नहीं तो नहीं तो फिर अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा डी इज करेक्ट। अब आगे में चलते हैं और अपना लास्ट पार्ट करते हैं फोर्थ, उसके बाद में फिर आइडेंटिटी का मजेदार के क्वेश्चन आने वाले 10, उसमें
टेंथ क्वेश्चन में क्या है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है, ठीक है, इमोशन है, सब कुछ है, मजा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल का मैंने तो करा दिया यार, कोई बात नहीं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 + 10² / 1 - cot² cot² ऑप्शन ए में है sec² a, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में cot² a, ऑप्शन डी में है tan² a। देखते हैं क्या आएगा ए। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करें क्या करें, ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, 1 + tan² a को क्या हम लिख सकते हैं sec² a, और लेकिन क्वार्ट में सच फंस सकते हैं। क्वार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + होता है ना, नीचे में माइनस, प्लस ही है, प्लस ही है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ, प्लस है। ठीक है जी, प्लस, ठीक है। और 1 + cot² a इज इक्वल टू cosec² a होता है, ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। sec को हम लिख सकते हैं 1 / cos² a, cosec को लिख सकते हैं 1 / sin² a। ठीक है, अब देखो क्या करना है मुझे, मुझे ये करना है बिल्कुल एकदम आराम तरीके से, समझो जरा। a/b डिवाइडेड बाय c/d, इसको हम लिखते हैं बच्चों कैसे लिखते हैं, a/b को कॉपी, और अगर मल्टीप्लाई में लिखना है तो इसको लिखते हैं b/c। ठीक है, b/c क्या लिखते हैं, b/c लिखते हैं। ठीक है, b/c लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहां 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 d/c d है। ठीक है, सिमिलर हमें इसको वैसे ही करने वाले, 1 / cos² a को कॉपी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है तो sin² a / 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई sin² से करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin² a आ जाएगा, और cos² a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा ये cos² a, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर स्क्वायरिंग है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार, अगर चलो 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 साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ इसके जगह में टेन रख सकते हैं ना, तो मैंने रखा टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्दर लिख दिया मैंने tan² a, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, और आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहां बेटे मैं डी के जगह में बी लिख दिया था, इसको कॉपी करो फिर क्वेश्चन फोर करवा देते हैं, दो तीन क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं। ठीक है, चले आगे में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन फोर में, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है बेटा, हमें इसमें 10 पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन फोर में, और क्या करना है कि जो दिया गया है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन, उसको हमें प्रूफ करना है, वो आइडेंटिटी यूज अपने को करना है, इन्वॉल्वमेंट जो एक्यूट हो। ठीक है, यानी बेसिकली ज्यादा नहीं घुमाओ, आपको क्या करना है, LHS और RHS को आपस में दोनों को प्रूफ करना है, बराबर करना है कि क्या जो गिवन है वो LHS RHS दोनों आपस में बराबर हैं, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको बड़ा आसानी तरीके से इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यार जो 10th क्लास में है 10-12 क्वेश्चन ही गिवन है। ठीक है, लेकिन उसी में बच्चे लोग को ठंड में भी पसीना आ जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उसको पसीना क्यों आएंगे, वो तो भैया मजे मारते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं,
अब ये बताओ LHS से करो RHS से करो, मैं दोनों करता हूँ, पहला क्वेश्चन है फोर्थ का, तो दोनों तरह से करके दिखाता हूँ कैसे करोगे। पहले मैं LHS लेके चलता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे। अगर LHS आपको अच्छा लगे तो LHS को करना लेके चलना, और अगर RHS आपको इजी लगेगा तो RHS लेके चलना, ठीक है। मैं दोनों करा दूंगा, एक क्वेश्चन में करा दूंगा, ऐसे बोलोगे तो दूसरा भी करा दूंगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। और अपने को टाइम को ही ध्यान में रखना, ठीक है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin A, ठीक, और कॉट को लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। होल स्क्वायर है उसको छेड़ो मत, वैसे ही रहने दो, ठीक। एलसीएम आपने लिया साइन ए आगे, ठीक है, तो ये मिलेगा 1 - cos A का होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि अगर कहीं पे a बाई बी का पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m बाई बी का पावर m, सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 - cos A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, अगर होल करवाना है तो। लोग पहला क्वेश्चन ये भी शो कर देता हूं क्योंकि अपना तरीका यही है कि सबको लेके चलना है। 1 - cos A का होल स्क्वायर अब तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है, अब तो लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं। देखो यार अपना छोटा मोटा टीचर है भैया, टीचर नहीं है ट्यूटर है, ठीक है, तो आगे पीछे हो जाता है इक्वल का साइन, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक। यहां तक कंफ्यूज करो, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर ऐसा करो ना कि 1 - cos A को कॉपी कर लो होल स्क्वायर के साथ में, और आप साइन स्क्वायर को लिख दो 1 - cos A, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल सर ऐसा करने से आपको ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिल जाएगा कि सर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो 1 - cos A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, लिख दू थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा यार, 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए प्लस बी यानी कि 1 + cos A बाई 1 - cos A आ गया, एक ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 - cos A बाई 1 + cos A, ठीक है, आ गया। ये क्या आया, ये LHS आया, therefore LHS is equal to RHS, proved, ये proved हो गया, ठीक। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। अब हम एक ऐसा भी देखो, जब आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको दोनों तरह आ जाएंगे, ठीक है। अब RHS लेके चलते हैं और करवाते हैं आपको। अगर मैं RHS लेके चलता तो क्या प्रूफ नहीं कर पाता, ऐसा कैसे होगा कि प्रूफ नहीं होगा, बिल्कुल हो। लेकिन RHS में क्या होता है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, तो थोड़ा सा जो है ना ज्यादा नहीं, जो हम लोग सब तो देखो टीचर हैं, तो छोटे मोटे टीचर हैं, ठीक है, रहने वाला, तो वो लोग क्या करते हैं कि LHS लेके चलते हैं, ठीक है, LHS लेके चलते हैं, क्योंकि LHS अपना जो होता है ज्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ता, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - cos A 1 + cos A, अब ऐसा क्या करोगे इसमें, यहां पहुंचना, देखो इसमें कितना सरदर्दी। अगर ऐसा करूं कि मैं रेशनलाइज कर देता हूं किससे, 1 - cos A बाई 1 - cos A, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया, ठीक, रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 - cos A का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, देखो ये दोनों है पावर 1 1 है, पावर एड करेंगे 2 आ जाएगा, और अगर डिवाइडेड में देखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 - cos A² आ गया, बताओ, ठीक है, उल्टा चलना पड़ता है यार थोड़ा सा। अब 1 - cos A² a को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, पहले कॉपी करो, क्या कॉपी करोगे, 1 - cos A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, ठीक, a के फॉर्म में एंगल है तो a ही लिखे। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसका पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं 1 - cos A बाई साइन a का होल स्क्वायर, ठीक, लिख दिया। आगे भी चलते हैं,
आगे भी चलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, वन बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ये एन है अपना, ठीक है, का होल स्क्वायर। और वन बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है माइनस, और कॉस बाई साइन ए क्या होता है, क्वाट ए होता है, क्वाट ए होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। देयरफॉर RHS is equal to LHS. RHS is equal to LHS. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो सारे क्वेश्चन में दो दो तरीके से करूंगा ना तो भारी पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है कि LHS RHS को दोनों को सेपरेट करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों पहले इसे कॉपी कर लो, ठीक है, फोर्थ का हम फर्स्ट पार्ट किए हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट किए हैं, सेकेंड पार्ट करवा देते हैं, थर्ड करवा देते हैं, ठीक है, बेटा दो यार। देखो हमें ऑफलाइन क्लास का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग से ही काम करना पड़ता है। जैसे भी आप अर्ली चल रहा है तो मैं वन शॉट तो नहीं कर रहा हूँ, फाइनल में शायद वन शॉट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्या आप अर्ली के लिए वन शॉट करो, उस वक्त मैं डायरेक्ट करूंगा वन शॉट वीडियो, ठीक है, वन शॉट उस वक्त डायरेक्ट करूंगा। सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर का, क्वेश्चन फोर का सेकेंड पार्ट हम आपको करवा रहे हैं। हमसे कह रहा है कि cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a बाय cos a, cos a इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 से के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये प्रूफ करना है इसके बराबर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, कोई बात, कोई बात, सोचो क्या करें। तो मैं तो कहता हूं डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलएचएस पहले लिखो कि एलएचएस इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए को कॉपी कर लेंगे, कॉस ए को कॉपी कर लेंगे, ठीक। मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ठीक है, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के साथ कॉस को पहले लिख लें, क्या लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाद में ले रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब अपना तरीका ये, तो जो एलसीएम आया है उसको ऊपर में लिखो यानी न्यूमरेटर में, ठीक है, और इसके जो डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड करते हैं। टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेंच बन जाओगे यार, तो बेहतर है कि ना पढ़े। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बचा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस, और अगर cos से डिवाइड करेंगे बेटा, देखो cos से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं, बताओ कोई कंफ्यूजन है, बोलोगे मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाला बचा हुआ, ये कटा हुआ नहीं है रे, ये कटा हुआ नहीं है, तब तो भैया गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, और ये प्लस है, प्लस, ठीक है, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जरा सा तोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटा दो इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 times ऑफ साइन ए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, cos a into 1 plus sin a, ठीक। अब थोड़ा सजा के लिखते हैं, तो sin square a पहले लिख लिया मैंने, इसको आप बाद में लिखा करूंगा, cos square a लिख लिया प्लस 1 लिख लिया प्लस 2 sin a लिख लिया, ठीक, डिवाइडेड बाई cos a को कॉपी कर लिया, 1 प्लस sin a को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको पता sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो क्या मैं इसकी प्लेस पे 1 को रख दूं, ठीक है, जैसे 1 रखूंगा क्या होगा, 1 प्लस 2 sin a by cos a into 1 प्लस sin a आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
जोड़ेंगे तो मुझे यहां से मिल जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसलिए कह रहा हूं बार बार आइडेंटिटी आइडेंटिटी के ऊपर काम करो, सब कुछ मिल जाएगा, चलते जाओगे रास्ता बनते चला जाएगा। एक दरवाजे बंद होते 10 दरवाजे खुल जाते हैं, ये कहावत तो आपने सुना होगा, ठीक है। अरे होता है ऐसा, 2 को कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, देखो बन गया रास्ता, कैंसर, क्या मिला 2 बाय कॉस ए, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस ए को आप लोग जानते हो क्या होता है, सेक ही होता है, ठीक है। तो देखो LHS RHS आपस में दोनों बराबर हो गया क्या, लिखेंगे therefore LHS is equal to RHS, ठीक है, hence proved, हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, थर्ड पार्ट कराते हैं, इसको कॉपी करो क्योंकि मुझे पूरा खाली चाहिए, शायद क्वेश्चन लंबा भाग सकता है, एक और कराते हैं, ये 7 क्वेश्चन बचे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको, मिटा दो। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमसे कह रहा है tan theta by 1 माइनस cot theta प्लस cot theta by 1 माइनस tan theta इज इक्वल टू 1 प्लस sec theta into cosec theta। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा हिंट्स में दिया है कि साइन और कॉस के फॉर्म में पहले जाना है, साइन और किसके, कॉस के फॉर्म में, ठीक है। टाइम ज्यादा हो रहा है यार, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करता हूँ, ठीक है। LHS इज इक्वल टू tan theta by 1 minus cot theta प्लस cot theta by 1 minus tan theta, ठीक है। हम बदल देंगे tan को, ठीक है, tan को चेंज कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, sin theta by cos theta, ठीक है, ये by का सिंबल है, और 1 minus sin theta by cos theta, ठीक, गलत कर रहे हैं, यहाँ cot आएगा, cot आएगा बेटे, cot की जगह में नहीं, cos आएगा ना, cos theta by sin theta by sin theta, चलो आराम आराम से करते, कोई हड़बड़ी नहीं है, cos theta by sin theta, गड़बड़ हो जाएगा बेकार हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन का, ये मार्कर में क्या है, इंक डालना है, ठीक है, तो इसको क्या करें, क्या करें, ठीक, तो दूसरा निकालने दो यार, जरा सा टाइम दो, ठीक, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लिया, तो साइन थीटा माइनस cos theta divided by sin theta, ये मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एहतियात बरतना है, plus cos theta by sin theta, क्या आपको करना है, थोड़ा सावधानी से काम करना है, cos theta minus sin theta, ठीक है, दिखाऊंगा क्या करना है, cos theta, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूं, sin theta by cos theta into sin, ऊपर चला जाएगा sin theta by sin theta minus cos theta, ठीक है, प्लस है बीच में लिख दिया cos theta by sin theta, ठीक, into पलट के लिख रहा हूं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, cos theta by cos theta minus sin theta, ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, होना नहीं चाहिए, कोशिश किया जा रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो,
आगे में चलेंगे। साइन को मल्टीप्लाई साइन के साथ में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस ही आया ना, इनटू 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 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे है साइन, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा पहले है बाद में है साइन थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना है कि सोचना है, अगर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हो, अगर डायरेक्ट आप एलसीएम ले लेते हो कि तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो साइन प्लस में साइन माइनस में, कॉस माइनस में कॉस प्लस में, तो अगर यहां से हम माइनस को बाहर ले लें तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, सो करवाते देखो। अगर मैंने पहले साइन को लिख लिया, प्लस कॉस है तो कॉस को लिख लिया, ठीक, माइनस बाहर लूंगा तो साइन प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर लेंगे तो साइन पॉजिटिव में आ जाएगा और ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो सो करके दिखाना पड़ेगा ना कहां से मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां ना करते हुए यहां कर दिया मैंने, बीच में प्लस है रहेगा, ठीक है, कॉस है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, यहां मैं सो कर दिया आपको। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। अब ये जो साइन है नेगेटिव, ये प्लस के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप और लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा इक्वल का साइन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, चलो इसमें क्या करो, तो साइन स्क्वायर थीटा हटाओ, इसको बाद में लगाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉपी कर दिया, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हो, अब एलसीएम ले सकते हो, जब एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा पहले लिख लेता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों में एक लिखा जाएगा, दो मत लिख दिया जाए, ठीक है, दो मत लिख देना कॉस थीटा, देखो इसके पास में क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये है, ठीक है, कमी किस चीज का, साइन का, तो साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे cos नहीं है तो cos के इसके साथ कर देते हैं, क्योंकि बेटा जगह भी कम पड़ रहा है अपने पास में, ठीक है, ये क्वेश्चन का भी काफी स्टेप मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, तो एक दो स्टेप जो है ना थोड़ा सा जंप करेंगे, करेंगे क्या कर गए। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, चेंज कर देते मार्कर, आपको बता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है, हम इसको उसी में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है, तो ए देखा जाए तो अपने पास में साइन है, बी देखा जाए तो ये है, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, तो लिखे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है, और डिवाइड में जो है वो उसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो डिवाइड में है अपने पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, छोटा होता चला जाए, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा, आ गया, देखो ये बनेगा कितना, ये कितना बनेगा, देखो जरा सा, ये वन बन जाएगा, वन बन जाएगा, एक स्टेप और यहीं ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें यहां से वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं चेक करूंगा कटा तुम्हें नहीं, ठीक, अब क्या करना, इसको अलग अलग करके लिख दे, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, यहां है जगह अपने पास में, ठीक, तो क्या लिखेंगे, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस 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 प्लस, देखे मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या? इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं, वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा, और यहां पे क्या मिलेगा? प्लस वन, ठीक। और वन बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉस सेक थीटा। वन बाई कॉस क्या होता है? सेक थीटा प्लस वन, ठीक। क्या यही प्रूफ करना था? थोड़ा सजा के अगर लिख दू तो, सजा के लिखूंगा तो देखो, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, और यहाँ इक्वल का साइन है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये इक्वल का साइन, ठीक। सजा के लिखोगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ जगह मिल जाएगा, यहाँ जगह मिल जाएगा, ठीक। देखो जरा सजा के लिख रहा हूँ, वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे? देयरफॉर RHS is equal to RHS, hence proved, ठीक। देखो ये क्वेश्चन का इतना लंबा प्रोसेस इसलिए हुआ क्योंकि हमने आपको एक एक स्टेप्स होकर के लिखा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं रोकेंगे, इसके 7 पार्ट और बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।